स्वागत है आपका संसार ग्रीन में और मैं हूं पंकज। आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज मैं जिस पौधे के बारे में बात कर रहा हूं, इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे सहजन, सिटी, मोरिंगा, ड्रम स्टिक और सहजन और भी कई नामों से इसे भारत में जाना जाता है। इसे भारत में किसी भी कोने में आसानी से उगाया जा सकता है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, किसी भी कोने में आप इसे लगा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसके आप हर एक हिस्से को खा सकते हैं, चाहे वो उसके पत्ते हो, फूल हो, जड़ हो, इसके छाल हो, कोई भी हिस्से को आप इस खा सकते हैं। लेकिन इसके हिस्से को सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि उसके औषधीय गुणों के लिए खाया जाता है। अगर मैं इसकी हेल्थ बेनिफिट के बारे में आपको बताने लगूँ तो मुझे हर एक हिस्से के लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, तो मैं उस पर आज नहीं जाऊँगा। मैं आपको सहजन या सिटी के पौधे को कैसे लगाते हैं तो उसके बारे में मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊंगा। वैसे तो सहजन या मोरिंगा बीज और कटिंग दोनों से लगते हैं, लेकिन बीज से लगना थोड़ा मुश्किल होता है और बीज हर जगह मिलते नहीं हैं, तो बेहतर होगा कि आप उसकी कटिंग लगाएं। कटिंग आपको बाज़ार में सब्जी वाले दुकान में मिल सकते हैं या आपको आस पड़ोस में कहीं भी सहजन के पेड़ दिखे तो आप उसके एक ब्रांचेज को काट कर ले आएँ और उसे लगा लें। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ उसे कैसे लगानी है। जैसे आप देख रहे हैं, इसे मोरिंगा या सहजन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इनके बहुत सारे नाम हैं। चलिए मैं इसकी कटिंग थोड़ा कर लेता हूँ। इसके पत्ते को सबसे पहले काट के मैं हटा देता हूँ। ऐसे तो इसके पत्ते एडिबल होते हैं। इसे आप वेट लूज करनी है तो इसके पत्ते को आप दाल में खा सकते हैं। ये मैं इसकी सारी पत्ती को काट के हटा दे रहा हूँ। मैं इसके ऊपर वाले हिस्से को काट के हटा देता हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। वैसे तो सहजन काफ़ी चीज़ों में फ़ायदेमंद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करनी है तो उसमें फ़ायदे होते हैं। आप ज़्यादा बड़े कटिंग का इस्तेमाल ना करें, 10 से 12 इंच की कटिंग को ही आप ले। ये मैं 10 से 12 इंच की ये कटिंग ले लिया। आप इसे लगा सकते हैं। ये मैंने 4 कटिंग तैयार कर लिया है। इसे मैं अब गमले में लगाऊंगा और आपको बताऊंगा इसे कैसे लगानी है। आप मोरिंगे की कटिंग तिरछी रखें। जैसे आप देख सकते हैं इसके सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप इसके क्लियरली देख सकते हैं जाइलम फ्यूलम और इसके टिश्यू साफ आप देख सकते हैं। ये मैंने 4 कटिंग ली है। आप देख सकते हैं सारी कटिंग अलग अलग साइज के, कोई पतली है, कोई इससे ज़्यादा मोटी है, कोई ज़्यादा मोटी है। ये सारे कटिंग लग जाते हैं। सहजन को आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, ये आसानी से लग जाते हैं। इसे आप लगा सकते हैं। एक बात का सिर्फ ध्यान रखें, इसमें इसकी मिट्टी में पानी जमा ना हो। आप इसे बस गाड़ देनी है, इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। ये आसानी से लग जाते हैं। ज़रूरी बात, हम जब भी कलम को लगाते हैं तो उसकी चारों तरफ की मिट्टी को अच्छे से दबा देनी चाहिए ताकि जब हम इसमें पानी दें तो हमारी कलम गिरे ना, इसलिए इसकी मिट्टी को अच्छे से दबा देते हैं। और अगर मिट्टी ना दबाएं तो हवा के कारण इसकी कटिंग सूख भी सकती है, इसलिए इसकी मिट्टी को अच्छे से दबा दिए। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। एक बात का ध्यान रखें, इसमें ज़्यादा पानी ना दे, थोड़ा ही पानी दे और आपका पॉट वेल ड्रेन होना चाहिए। और कटिंग लगाने के बाद आप 4 से 5 दिन इसे डायरेक्ट धूप में ना रखें। अगर धूप ना आ रही हो तो आप इसे बाहर रख सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में इसे ना रखें, उसके बाद आप रख सकते हैं। ये इनके ब्रांचेज है, ये पत्ते हैं और इससे आप कटिंग लगाएंगे तो कटिंग लगेंगे नहीं, इसलिए आप इससे कटिंग ना लगाएं।
दो हफ्ते के बाद अब हमने इस गमले को पार्शियल शेड में रखा है, यानी यहाँ हल्की धूप भी आती है। आप देख सकते हैं हमने जो कलम लगाई थी उसमें नई पत्तियाँ, नए कोपल फूट रहे हैं, यानी कि कलम अच्छे से लग गई है, तभी इसमें नए पत्तों का आना शुरू हुआ है। हम बारी बारी से हर कटिंग को देख रहे हैं, लगभग तमाम कटिंग्स में नए पत्तों का आना शुरू हो गया है। अभी भी बहुत सावधानी की ज़रूरत है, गमले को बार बार इधर उधर ना किया जाए। कटिंग के ऊपर हमने थोड़ी सी गोबर लगाई है, आप इसकी जगह पे नेल पेंट, स्प्रेट या फिर हल्दी भी लगा सकते। तीसरे हफ्ते में कोपल बड़े होने लगे हैं और पत्तियों की संरचना अब पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट है। ये नज़र आ रहा है कि ये हेल्दी पत्तियां हैं जो कि अब बड़ी होंगी और हमारी कटिंग पूरी तरह से लग गई है। सिर्फ 2 महीने में ही जो कटिंग हमने लगाई थी वो पूर्ण रूप से विकसित पौधा बन गया है। बारिश की फुहार में धुल के इसके पत्ते काफ़ी ताजे और खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। यही नहीं, जो गोबर हमने लगाई थी वहाँ भी छोटे छोटे मशरूम उगाए हैं, अगर आप ध्यान से देखें। मोरिंगा या सहजन की शुरुआत तो आप 8 से 10 इंच के गमले में कर सकते हैं, पर अगर आपको इनमें फल चाहिए और फल लेना ही उद्देश्य होता है तो उसके लिए आपको इसे कम से कम 15 से 20 इंच के गमले में लगाना चाहिए। पौधा पूरी तरह से लग जाए तो उसे बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसमें फूल और फलियाँ दोनों ही आएंगी। हर साल छटाई करने से यह कुछ ही दिनों में बोंजाई यानी कि खूबसूरत पौधे का लुक ले लेगा। आम तौर से पौधे में 6 महीने के बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं। फूल आप जब आ जाएं तो बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, हफ्ते या महीने में एक बार पानी देना इनके लिए काफ़ी है। ज़्यादा पानी देने से फूल झड़ जाएंगे और फलियाँ नहीं बनेंगी, इसलिए हफ्ते में ही पानी दें, फूल फलियों में तब्दील होंगे और आपके घर में ताज़ा मोरिंगा यानी कि सहजन तैयार होगा जिससे आप सेहत का लाभ ले सकते हैं। वैसे इसे आप सांभर में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे सांभर में ड्रमस्टिक के बिना मज़ा कहाँ आएगा, इसलिए आप इसका मज़ा ले सकते हैं। वैसे संसार ग्रीन में मैं इस तरह का वीडियो डालता रहूँगा। वनस्पति को बचाना मेरा ही फर्ज नहीं बल्कि आपका भी फर्ज है, इसलिए आप भी वनस्पति को बचाएं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।